बात एक ऐसे हीरो की जिसकी ना सिर्फ दीवानी थी लड़कियां, बल्कि अपनी जान तक देने को तैयार थी। अगर यकीन ना आए तो बॉलीवुड का इतिहास उठाकर पढ़ लीजिए। लड़कियां जिसकी एक झलक पाने के लिए पागल थी, वो था चार्मिंग स्टाइल वाला एक ऐसा हीरो जिसे लोग एवरग्रीन स्टार कहते थे, और वो थे देवानंद। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि सच है। देव साहब के लिए लड़कियां सचमुच अपनी जान तक देने को तैयार रहती थी। देवानंद बॉलीवुड का एक ऐसा चमकता सितारा थे जो उस वक्त हर जवान दिल की धड़कन था, हर लड़की के सपनों का राजकुमार था। देवानंद वाकई इतने स्मार्ट थे कि लड़कियां जब उन्हें सफेद शर्ट और ब्लैक कोट में देखती तो खुद पर काबू नहीं रख पाती थी और अपनी जान तक देने को तैयार रहती थी। यही वजह है कि देवानंद पर बाकायदा तौर से सफेद कमीज और काला कोट पहनकर बाहर निकलने पे पाबंदी लगाई गई थी। भारत के फिल्म इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोग किसी हीरो के इस कदर दीवाने हो कि जान पर भी खेल जाने को तैयार हो। अपने स्टाइल और लुक के लिए प्रसिद्ध अदाकार देवानंद खुद एक फैशन आइकन थे। एक और खास बात ये थी कि देवानंद हमेशा शर्ट के ऊपर के बटन जरूर लगाते थे, जिसकी वजह लोग ये बताते हैं कि देव साहब अपना सीना कभी नहीं खोलते थे। कुल मिलाकर ये सब कुछ इतना पॉपुलर हुआ कि लोग देव साहब का अंदाज खूब कॉपी करते, और ये उस वक्त के लिए पॉपुलर फैशन में शामिल हो गया था। यही नहीं, देवानंद अपने डायलॉग और मुख्तलिफ अंदाज के लिए आज भी जाने और पहचाने जाते हैं। कहते हैं देवानंद जैसा खूबसूरत अदाकार कभी नहीं देखा, क्योंकि उनके चलने का स्टाइल अलग ही नहीं जानलेवा था, और वही उनकी पहचान बन गया। ये भी एक अजीब बात है कि देवानंद पर दुनिया फिदा थी, मगर वो किसी और पर ही जान छिड़कते थे, और वो खुशकिस्मत नाम है अभिनेत्री सुरैया का। फिल्म अफसर की शूटिंग के दौरान देवानंद अदाकारा सुरैया की जुल्फों के असीर हो गए, मगर हायरी किस्मत, देव और सुरैया के प्यार परवान न चढ़ सका। देव साहब के इसरार के बावजूद भी सुरैया और उनकी शादी नहीं हो सकी। बॉलीवुड में न जाने कितने हीरो आए और चले गए, लेकिन बहुत ही कम लोग लेजेंड एक्टर देवानंद को टक्कर दे पाए। देवानंद अपने दौर के बेहतरीन एक्टर्स में से एक थे। इसके अलावा वो उस जमाने के लोगों के लिए एक जबरदस्त अट्रैक्शन थे। देवानंद की दीवानगी लोगों के सिर चढ़ कर बोलती, दर्शक उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार रहते थे। फिल्मों से लेकर लुक्स तक हर चीज में देव साहब का जलवा कई दशकों तक बरकरार था। यूं तो उनका नाम लव अफेयर्स के लिए चर्चित था, लेकिन एक और चीज थी जिस वजह से देवानंद ने खूब वाहवाही लूटी। देवानंद उर्फ धर्मदेव पिशोरीमल आनंद को पहला ब्रेक सन 1946 में बनी फिल्म हम एक हैं से मिला। ये फिल्म हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित थी। पुणे में शूटिंग के दौरान देवानंद की दोस्ती गुरुदत्त से हुई, और दोनों में ये तय हुआ कि कामयाब होने के बाद दोनों एक दूसरे को काम देंगे। आगे चलकर गुरुदत्त एक बड़े फिल्म निर्देशक बने और देवानंद भी कामयाब रहे, लेकिन जिद्दी उनकी पहली ऐसी फिल्म थी जिसे कामयाब कहा जा सकता था। अभिनेता अशोक कुमार ने बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्देशक थे शाहिद लतीफ। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 में गुरदासपुर में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है, जबकि देव साहब का निधन 3 दिसंबर 2011 को लंदन में हुआ। देवानंद के पिता पिशोरीमल आनंद पेशे से वकील थे। देवानंद ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। देवानंद के भाई चेतन आनंद और विजय आनंद भी भारतीय सिनेमा में सफल निर्देशक थे। और अब बात देवानंद की उन फिल्मों की जो फिल्म इतिहास में हमेशा अमर रहेगी। देवानंद की फिल्म टैक्सी ड्राइवर सन 1954 में रिलीज हुई थी, और इसे देवानंद के भाई चेतन आनंद ने डायरेक्ट किया था। फिल्म 9-2-11 देवानंद और उनके भाई विजय आनंद की पहली फिल्म थी। ये 1957 में रिलीज हुई थी, और इसमें देवानंद ने कल्पना कार्तिक और शशि कला के साथ काम किया था। गाइड देवानंद की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। फिल्म गाइड आर के नारायण की मशहूर नॉवेल दी गाइड पर आधारित थी। गाइड को कई अवार्ड भी मिले, साथ ही देवानंद और वहीदा रहमान को काफी सराहा गया। सन 2007 में 42 साल बाद फिल्म गाइड को कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था। देवानंद की फिल्म तेरे घर के सामने बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कलेक्शन वाली फिल्मों में से एक है। इस फिल्म का निर्देशन भी देवानंद के भाई विजय आनंद ने किया था। इस फिल्म का गाना एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने काफी हिट हुआ था। देवानंद की फिल्म काला पानी में देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत के साथ नजर आए थे। इस फिल्म का निर्देशक राज खोसला थे। 1958 में रिलीज हुई इस फिल्म में देवानंद को उनकी एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। सन 1970 में रिलीज फिल्म जॉनी मेरा नाम में देवानंद हेमा मालिनी के साथ नजर आए। इस फिल्म को 70 की दिहाई की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म कहा गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाने वाले अदाकार और निर्देशक देवानंद को भारत सरकार की ओर से सिनेमा में योगदान के लिए सन 2001 में पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कारों से सम्मानित किया।